पाई जा रही हैं। देखिए ये बेल्ट खींची जा रही है, इसमें आरी पैनल में पहले कंपोजर लगाते हैं, कंपोजर लगाने के बाद में फिर ये बेल्ट खींची जा। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब, आइयो अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू अपडेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों पहली बार आप सभी को देखने के लिए मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वर्क, जो कि ये दोस्तों सियाना रोड है, आप लोगों को बताऊं कि पीछे है 5 किलोमीटर से आना, फिर उसके बाद में बुलंदशहर, तो ये आ रहा है दोस्तों गढ़ से, ये रोड आ रही है और ये गढ़ के लिए ही बस जा रही है। तो देख सकते हो यहाँ पर सारे पिलर बन गए हैं और इस पर पियर कैप का काम कर देने के बाद में दोस्तों इस पर आई गटर द्वारा लॉन्च कर दिया गया है और इस पर फ्लोर वर्क भी कर दिया जा चुका है। दोस्तों अब इसके दोनों साइड के रैंप बनाने का काम किया जा रहा है, आरी पैनल को लगा दिया जा चुका है दोस्तों, उसमें कंपोजर लगाकर बेल्ट भी खींची जा रही है और जैसे जैसे बेल्ट लगाते जाएंगे वैसे वैसे दोस्तों आरी पैनल इसी यही काम चल रहा है। तो आप लोग इंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत। देखो ये ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं, देखो ये मिट्टी डाली जा रही है अभी गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर। दोस्तों ये देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, दिन रात चल रहा है, चलते हैं और आप लोगों को उतर के दिखाता हूँ चल के। ये देखो ये कंपोजर पड़े हुए हैं जो कि आरी पैनल के साइड में लगाए जाते हैं। देखो बेल्ट भी खींची जा रही है और आरी पैनल को भी लगाया जा रहा है। देखो ये आरी पैनल को लगाया जा रहा है, इसका काम किया जा रहा है और देखो यहाँ पर इस साइड में देख सकते हो ये कंपोजर भी लगा दिया है ताकि बरसात का पानी ना आ सके, और इसमें देखो ये बेल्ट भी खींची जा रही है ताकि ये आरी पैनल का पैनल बाहर ना निकल सके, तो इसी वजह से ये काम चल रहा है। देख सकते हो काफ़ी टाइम के बाद में पहला अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, सियाने से गंगा एक्सप्रेसवे का अपडेट है। देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। चलो चलते हैं टीम के पास ही और टीम से बातचीत करते हैं और दिखाते हैं चल के। देखो ये बेल्ट लगाई जा रही है, देखो ये बेल्ट खींची जा रही है, इसमें आरी पैनल में पहले कंपोजर लगाते हैं, कंपोजर लगाने के बाद में फिर ये बेल्ट खींची जाती हैं ताकि ये आरी पैनल भाग ना जाए दोस्तों, तो इसी वजह से ये काम चल रहा है। देख सकते हो तस्वीरें चार साइड में और देखो इस तरीके से ये फ्लोर वर्क किया गया है दोस्तों। देखो ये है दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे का काम किस तेज़ी के साथ में काम किया जा रहा है। इधर ये मिट्टी डाली जा रही है, मिट्टी डालने के बाद में फिर इसको लेवल में लाया जाएगा, लेवल में लाने के बाद में फिर इस पर दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर भी मिट्टी डाली जाएगी। तो पहले ये आरी पैनल को और कंपोजर को लगाते हैं और फिर ये बेल्ट खींचते हैं। तो देखो किस तरीके से काम चल रहा है आप लोगों को दिखा देते हैं चल के। देखो कुछ ये काम चल रहा है जो कि बेल्ट को खींच रहे हैं। ये भैया बेल्ट खींचेगा फिर इसमें मिट्टी डालनी स्टार्ट कर दोगे हैं, तो जो भी टाइम लगता होगा यही बेल्ट खींचने में ही लगता है क्यों जी। ये गंगा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, देखो उधर भी मिट्टी डाली जा रही है और ये 2025 में कंप्लीट होगा जाके। तो इधर ये मिट्टी डाल रहे हैं और इधर देखो ये बेल्ट और कंपोजर लगा कर फिर इस पर ऊपर भी आरी पैनल को लगाया जाएगा। तो इस तरीके से देखो काम किया जाता है। ये देखो सारा ये ग्रीन फील्ड एरिया है, देखो ये टीम लगी हुई है जो काम कर रही है, आरी पैनल को खींच रहे हैं ये। ये ऐसे खींचते हुए उधर भी जाएंगे अभी, तो यही काम चल रहा है भाई। चलो मैं दूसरी साइड का भी आप सभी को दिखाता हूँ चल के। गाड़ी मेरी वहाँ नीचे खड़ी हुई है
तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज इसका फर्स्ट अपडेट दिया जाए दोस्तों। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये अपडेट कैसे लग रहे हैं, और अच्छा लगे तो मैं आप लोगों को और भी अपडेट्स देने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो सारे में यही काम चल रहा है अभी, तो बस इसका फ्लोर वर्क हो चुका है जो कि ये कूदेगा दोस्तों, जो कि ये जो रोड निकल रही है दोस्तों ये जा रही है इधर गढ़ के लिए चली जाती है जिधर वो गाड़ी जा रही है। और आप सभी को बता दूं कि इधर ये जो बाइक जा रही है ये चली जाती है दोस्तों बुलंदशहर के लिए। और उसके बीच में ही देखो ये सियाना है, पास में ही 5 किलोमीटर की दूरी पर सियाना है, तो वहीं पर ये इंटरचेंज बनाया जाएगा दोस्तों। अभी इंटरचेंज का भी ये काम नहीं चल रहा है, तो पहले तो ये रोड बनेगी फिर उसके बाद में इंटरचेंज बनेगा दोस्तों। तो दोनों साइडों में ऐसा ही काम चल रहा है, तो अभी यहाँ पर इंटरचेंज भी बनेगा। और देखो आप लोगों को बता दूँ ये मिक्सचर प्लांट है, देखो ये मिक्सचर प्लांट है दोस्तों, किसका, कंपनी का। और कंपनी कौन सी काम कर रही है वो मैं आप लोगों को बता दूँगा वीडियो में। देखो ये रखे हैं आरी पैनल सारे में, और यहाँ पर आप सभी को बता दो दोस्तों कि ये बनाया जाएगा इंटरचेंज। देखो ये जो ये बाल बनाई गई है ना दोस्तों, ये अंडरपास, ये सामने वाला, तो यही अंडरपास होगा दोस्तों। देखो काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस है, ऐसे ही उधर भी अंडरपास बनाया जाएगा, और अंडरपास बनाया जाएगा तो उधर वो पुलिया बनाई जा रही है दोस्तों। तो यही काम है, देख सकते हो सारे में ही फ्लोर वर्क हो चुका है इनका, क्योंकि पहले ये पिलर जब मैं आया था तब ये पिलर का निर्माण किया जा रहा था, फाउंडेशन बन गया था पिछली बार, ठीक है। कुछ यही काम चल रहा है देख सकते हो आप लोग। चलो मैं थोड़ा सा उधर का भी दिखा दूँ आप सभी को, उधर का भी देख लो दोस्तों। अब मैं आ चुका हूँ दूसरी साइड में, और किस तरीके से देखो वहाँ ट्रकों से वो मिट्टी डाली जा रही है, देख सकते हो आप लोग। ये देखो यहाँ ट्रकों से मिट्टी लाई जा रही है उधर से, और इधर डाली जा रही है। आरी पैनल दोनों साइडों में लगा दिए हैं देख सकते हो। अब इन पर देखो कंपोजर, देखो वो इन्होंने खींच दिया है, इधर भी कंपोजर खींचा जाएगा, आरी पैनल को बस लगा दिया है इन्होंने। देखो इस तरीके से यहाँ पर ये लेवल को किया जाता है दोस्तों, कंपोजर लगाते जाएँगे इसमें आरी पैनल में, बेल्ट खींचते जाएंगे और मिट्टी डालते जाएंगे, इसी तरीके से ये ऊपर को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। तो यही काम चल रहा है दोस्तों। और इंटरचेंज के लिए देखो वो वहाँ पर बन रहा है, क्या वो अंडरपास बना रहे हैं पुलिया सी, जैसे कि वो अंडरपास बना वहाँ पे, देखो वो बना हुआ है ना, तो ये इंटरचेंज के लिए ही बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरचेंज बनेगा अभी, ठीक है। देखो वो वहाँ से अब आई सब वो मिट्टी पड़ी हुई है, ऐसे घूम कर आएगा इंटरचेंज जब जाके चढ़ेंगे दोस्तों। तो ये सारा काम है, और आप लोग बताना दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करके बताना दोस्तों, इसके अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट और लाइक करोगे दोस्तों तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जहाँ से ये स्टार्ट होता है और जहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का एंड होता है दोस्तों, वहाँ तक आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा जितने भी ये शहरों से होकर गुजर रहा है दोस्तों, उन शहरों का सारे का आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देखो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही उड़ रही है दोस्तों, देखो बहुत सारे ट्रक आ रहे हैं, देखो ये मिट्टी ले लेके आ रहे हैं ये ट्रक, और ये मिट्टी देखो दोस्तों यहीं डाली जा रही है बीच में। देखो उधर तो वो बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गया, देखो काफ़ी ऊँचाई है क्योंकि यहाँ पर ये रैंप का हिस्सा रहने वाला है इसका इंटरचेंज का, तो इसी वजह से यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही ऊँचा रहेगा, लेकिन वहाँ जाकर देखो वो स्लो हो जाएगा। उधर मिट्टी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है पड़ के, तो उधर तो शायद लेन भी बना दी होंगी, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं आप सभी को वहाँ तक का दिखा सकूँ, तो इसलिए आप लोग यहीं तक देख लो और इन्जॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं और मिलेंगे आप सभी से फिर किसी नई अपडेट के साथ में दोस्तों।